जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। इस धोबी घाट को हम आधुनिक ढंग से बनाएंगे, सुंदर करेंगे, लेकिन ठीक उन्होंने जो घोषणा किया, जो बात कही, उसका ठीक उल्टा हो रहा है। न यहाँ पार्क बनी और धोबी घाट को अब यहाँ समाप्त करने का काम किया जा रहा है। ये समाज के उस वर्ग के लिए अहित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिन के दिवस पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर जेडीयू के नेता लोग मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धोबी घाट बचाव संघर्ष समिति की तरफ से देखिए ये जो धोबी लोग हैं वो लोग अपनी बातों को यहां पर रख रहे हैं। उनका कहना है कि आधुनिक बिहार बनाने के चक्कर में उन तमाम धोबियों के घर को उजाड़ दिया गया है। आप पीछे भी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है और इस बुलडोज़र की वजह से कई जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं। और इसी के लिए आज देख सकते हैं कि इस वक्त हड़ताली मोड़ पर हम लोग हैं। यहाँ पर ही तमाम जो धोबी महासंघ के लोग जो हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं और उनका यूँ कह सकते हैं उनको सहायता देने के लिए, उनका उनके संघर्ष में उनका साथ देने के लिए राजद नेता श्याम रजक भी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों के लिए। और देखिए ये जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कारण है जो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या मांजरा है, क्योंकि एक तरफ विकास दिवस मना रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की जन्म दिवस के अवसर पर सब विकास दिवस मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये वही धोबी लोग हैं जो माननीयों के कपड़ों को यूँ कह सकते हैं कि साफ़ करते हैं और इन्हीं की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। और जब उनके घर जो थे उन्हें तोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जहाँ पर इनके घर बने हुए थे उन्हें उजाड़ दिया गया है रोड के चौड़ीकरण को लेकर। और आधुनिक बिहार बनाने की जो बातें मुख्यमंत्री कहते हैं उन तमाम बातों को लेकर इन लोगों के घर को तोड़ दिया गया है। हम श्याम रजक जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मुख्यमंत्री का यही सुशासन है कि कई लोगों का घर बसाने के बदले कई लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई जगहों पर देखा गया है राजधानी के कि घरों को तोड़ दिया गया है। और उस वक्त तमाम वो धोबी संघ के लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं। इनकी मांग जो है कि इनके घरों को ना तोड़ा जाए, इन तमाम मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। हम लोग श्याम रजक जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा आज आप सभी जो यहाँ धोबी संघ के लोग हैं यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ मुद्दा है सर? देखिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो घोषित किया गया था उनके द्वारा उस घोषित वक्तव्य को यहाँ पूरा कर दें। मैं कोई अलग से मांग नहीं कर रहा हूँ, ये धोबी घाट ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, देश की आज़ादी उस समय से भी चल रहा है। नीतीश कुमार जी आए थे और उन्होंने कहा था कि धोबी घाट को हम आधुनिक ढंग से बनाएंगे, सुंदर करेंगे। और संत गाड़गे बाबा की प्रतिमा के अनावरण के बाद उन्होंने कहा था कि एक सुंदर पार्क बनाने का काम करेंगे, लेकिन ठीक उन्होंने जो घोषणा किया, जो बात कही, उसका ठीक उल्टा हो रहा है। न यहाँ पार्क बनी और धोबी घाट को अब यहाँ समाप्त करने का काम किया जा रहा है। ये सरासर ये समाज के उस वर्ग के लिए अहित है, और समाज के उस वर्ग के लिए नहीं बल्कि इस राज्य के लिए अहित है। हम तो गंदे कपड़े साफ कर करके इस राज्य में सफाई का अभियान करते हैं और सफाई के जगह ये सिर्फ गंदगी पर आना चाहते हैं, यहाँ के धोबी घाट को हटा कर। विकास दिवस के तौर पे मना रहे हैं मुख्यमंत्री का जन्मदिन और दूसरी तरफ देखिए इन लोगों को इस तरीके से छोड़ दिया गया है बिहार। मैं उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अपने जन्मदिन पर अपने घोषणाओं को, अपने बातों को वो पूरा करके इस जन्मदिन की खुशहाली को और ज़्यादा चमत्कार बना देने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ श्याम रजक, राजद के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्रिटिश शासनकाल से जब ये बना हुआ था धोबी घाट, उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि और अच्छा बनाएंगे, लेकिन आए दिन ये स्थिति हो गई कि अब धोबी घाट को तोड़ना पड़ा। देखिए किस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है और धोबी घाट को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर श्याम रजक और तमाम धोबी संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखना है क्या इनकी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानते हैं या नहीं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।